हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं लेटर सी बुक के चैप्टर थर्ड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए के अंदर हमसे क्या बोला, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, मेन फंक्शन लिखा हुआ है, बिल्कुल फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, प्रोग्राम में कहीं कोई गलती नहीं है। इसमें क्या बोला है, वेरिएबल ए बी सी ये डिक्लेयर कर रखे हैं। ए की वैल्यू है 300, बी की और सी की वैल्यू उन्होंने असाइन नहीं कर रखी है। तो बी और सी तो क्या है, ओनली डिक्लेयर्ड है, और ए जो वेरिएबल है डिक्लेरेशन विद असाइनमेंट है, तो इसके अंदर ए की वैल्यू 300 है। अब ये हमसे पूछ रहा है क्या 300 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल ये वाला स्टेटमेंट ही इसी कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो ओपनिंग ब्रेसेज है ना क्लोजिंग ब्रेसेज है, तो सिंगल स्टेटमेंट इसके साथ में लिंक्ड है। सी इक्वल टू 200 का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बी की वैल्यू वही है जो कि उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे थी। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसको कुछ चली जाती है, उसको जनरली हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो बी की जो भी वैल्यू रहेगी, इंटीजर की गार्बेज वैल्यू बाई डिफॉल्ट मानी जाती है जीरो। तो आउटपुट में क्या आएगा, बी और सी की वैल्यू, तो बी की तो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और सी की वैल्यू रहेगी 200। तो इसका आउटपुट क्या है, 0 200। स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच के अंदर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हमको स्पेस। ये देखिए यहाँ पे ये स्पेस है। सेकंड प्रोग्राम है, इसके अंदर भी सेम तीन वेरिएबल डिक्लेयर हैं, ए बी एंड सी। इसमें ए की वैल्यू कर दिया 500, तो क्या 500 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, बिल्कुल सही है। तो सेम कंडीशन आ गई, केवल जे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो बी की वैल्यू हो गई अब 0 की जगह पे 300, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 300 और 200। स्पेस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर है और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में एक स्पेस लगा हुआ है, इसलिए आउटपुट के अंदर भी स्पेस आएगा। अब है सी, सी के अंदर क्या दे रखा है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20, तो क्या 10 और 20 बराबर हैं? If x equal to y, नहीं बराबर तो नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कौन सा, ये वाला नहीं। इफ के जस्ट बाद में यहाँ पे हमारे पास में देखिए क्या लगा हुआ, सेमी कॉलन, मतलब कि इफ वाला जो ब्लॉक था वो यहीं पे टर्मिनेट हो गया। अब इफ वाले ब्लॉक के साथ में ये वाला स्टेटमेंट भी लिंक्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो आउटपुट में क्या आएगा, x एंड y की वैल्यू, और x और y की वैल्यू क्या है, 10 और 20। डी पॉइंट जो है इसके अंदर वापस से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू असाइंड है 3 और y की वैल्यू असाइंड है 3.0, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप है। अब यहां चेक कर रहे हैं एक्स बराबर है वाई के, अगर वैसे देखा जाएगा तो बराबर नहीं है, लेकिन क्योंकि सी का कंसेप्ट क्या है, जब भी दो अलग अलग फ्लोटिंग, जब भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल के अंदर कंपैरिजन होता है तो जो नीचे वाला जो जिसकी वैल्यू कम है वो अपर वाले के अंदर प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स प्रमोट हो जाएगा फ्लोटिंग टाइप के अंदर, तो 3 = 3.0 बिल्कुल सही है। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एंड वाई आर इक्वल। पॉइंट ई है, इंट एक्स इक्वल टू 3 y and z, y और z केवल डिक्लेयर्ड हैं, x जो है डिक्लेरेशन विद असाइनमेंट है। तो अब ये स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने क्या बोला, y = x = 10, तो देखिए सबसे पहले x के अंदर असाइन हो गया कितना, 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से क्या हो गई, 10। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या रखा है, x, तो y की वैल्यू क्या हो गई, टेन। तो जेड की वैल्यू, अब यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 10 और एक्स की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 10। अब ये चेक करें, जेड इक्वल टू एक्स इज लेस देन 10, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर आ गया कि क्या 10 की वैल्यू 10 से कम है, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। जब भी हम बाइनरी के अंदर बात करते हैं तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और उसके अलावा कोई भी डिजिट हो तो उसका मतलब होता है ट्रू। तो अगर ये फॉल्स है तो जीरो आएगा, अदरवाइज ये 1 आता। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई है, 0, क्योंकि इसके अंदर इसका आउटपुट आया कितना, फॉल्स, फॉल्स आया 0। अब जेड तो इंटीजर टाइप था तो जो फॉल्स था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर, फॉल्स की इंटीजर वैल्यू होती है 0, तो जेड के अंदर कितना आ गया, 0। ये कन्वर्जन वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रिंट के अंदर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू
टेन और जेड इक्वल टू जीरो, पॉइंट आ गया एफ। इसके अंदर क्या है, आई इक्वल टू 65, कैरेक्टर जे इक्वल टू कैरेक्टर ए डाल रखा है। अब आई और जे को कंपेयर कर रखा है, अब ये आई तो है इंटीजर टाइप और जे है कैरेक्टर टाइप, अब दोनों का हिसाब में ऑपरेटर कैसे हैंडल करेगा इसको। जब भी इस तरह का कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में कोई भी कंपेरिजन होता है, कोई भी ऑपरेटर परफॉर्म होता है, तो सी का कंपेयर क्या करता है, जो कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसका आस्की कोड उठाता है और आस्की कोड को इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करता है, और आस्की कोड क्या होती है, उसकी कोई इंटीजर वैल्यू होती है, उसके साथ में कंपेयर करके निकालता है। तो देखिए आस्की कोड यहाँ पे ए का कितना आ रहा है, 65, ए का आस्की कोड है 65, तो यहाँ पे देखिए 65 = 65 = 2 कंडीशन है, तो आउटपुट में क्या आएगा, सी इज वाओ और न्यू लाइन कैरेक्टर पर कर्सर नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने चेक करा है कि डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और कैसे कन्वर्जन होता है और कैसे इफ कंडीशन का हम यूज करते हैं और इफ एल्स का कैसे हम यूज करते हैं।